बहुत काउंट करते हैं और अक्सर औकात मेरी जो सबसे पहली नजर जो है वो किसी भी शख्सियत पर जो कोई अच्छे ड्रेसअप हुए में हो सबसे पहले उनके सॉक्स और शूज पर पड़ती है कि उन्होंने सॉक्स और शूज कितने अच्छे पहने हुए हैं। और मैं कहती हूँ कि शायद मैं खुद भी अपने शूज के बारे में बड़ी कॉन्शियस हूँ, शूज और बैग्स खवातीन जाहिर है ज्यादा कॉन्शियस होती हैं, तो वो फिर इस हवाले से मुझे जेंट्स में भी जो है वो सॉक्स पे बड़ा अब वो होता है और फिर मुझे इन पर जो है वो तकलीफ भी होती है कि ये सॉक्स है वो अच्छे क्यों नहीं पहने, भाई इतना ड्रेसअप होके अगर सॉक्स अच्छे ना हो तो सारी ड्रेसिंग खराब हो जाती है। यू कैन किल दैट बाय द वे, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं कितना को बजट दरकार है सॉक्स के लिए। बिल्कुल, और सॉक्स लेने कैसे चाहिए, अगर नेवी ब्लू आप पहन रहे हैं तो उसके साथ आपको कौन से सॉक्स पहनने चाहिए, ग्रे है तो उसके साथ मैं बताता हूँ। देखिए सॉक्स जो है ना मैच करने के दो तरीके हैं, या आप उसको पैंट का जो कलर है ट्राउजर के साथ ही होते हैं ना, हाँ जी ट्राउजर के साथ मैच कर लें उससे टैग डार्कर चले जाए, ठीक है, या फिर आप शू के साथ मैच करें। सही। इसका मतलब है कि अगर आपने ब्लैक शूज पहने हैं तो आप ब्लैक सॉक्स पहन लें, रिगार्डलेस कि आपका सूट जो है ना, अब ऑब्वियसली व्हाइट सूट तो नहीं पहने क्योंकि हमने तो पहले डार्क कलर की बात की है, बिल्कुल, तो या फिर आप जो है ना उसके साथ अपने उसके साथ मैच कर लें। चार पांच सॉक्स कलर्स हैं जो आपके पास होने चाहिए, प्रोफेशनल मैन की बात हो रही है, बिल्कुल ठीक है, ब्लैक आपके पास कम से कम वन डजन से होनी चाहिए, कम से कम ये देखें वो धुलनी भी है उसने फ्रेश भी होना है सारा कुछ है, तो आप ब्लैक के कुछ पेयर ले लें, उसके बाद आप नेवी कुछ पेयर ले लें डार्क नेवी के, उसके बाद आप ग्रे के डार्क ग्रे के ले लें, उसके बाद आप लाइट ग्रे के ले लें, फिर कुछ टैन कलर, ताकि अगर आपने टैन कलर पहना है तो उसके साथ ब्राउन का लाइट ब्राउन का, ठीक है, ये चार पांच कलर्स हैं, दैट्स ऑल यू नीड। अच्छा सॉक्स में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो पाकिस्तान में लोग ध्यान नहीं रखते, पूरी दुनिया में बल्कि एक्चुअली आई फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल देयर स्पेशली वेरी हाई लेवल ऑल्सो समटाइम्स इट हैपन, मेन के लिए ये बात है कि जब हम पैंट के साथ बैठते हैं तो पैंट राइज करती है, ऐसा ही है, अच्छा जी लेग राइज करती है, इसका हाँ? मतलब है कि आपने देखा वो अगली सा सीन के लेग स्किन नजर आ रही है, बिल्कुल टेरिबल फॉर प्रोफेशनल कि अगर वो ऐसे करें या उन्होंने क्रॉस की लेग तो एकदम से। अच्छा अब मैंने देखा कि इवन एक जगह मैं नाम नहीं लूंगा, एक बहुत बड़े यू नो मिनिस्टर थे एंड ही वाज मीटिंग विद द किंग एंड ऑल दैट, ही क्रॉस हिज लेग एंड देयर वाज होल लेग दैट वाज शोइंग दैट स्किन एंड दैट लुक्ड टेरिबल, अब उन्हें पता नहीं है। अच्छा उसका इलाज क्या है, उसका बड़ा सिंपल सा इलाज है, जब आप अपनी सॉक्स खरीदें तो आप थोड़ी सी ओवर द कैफ जिसे कहते हैं थोड़ी सी लंबी खरीदें। इसके ऊपर मैं एक और बात कहते हैं, जब यू नो अपने यू नो मेरे जो भाई हैं मैन हजरात को हाँ। कि देखें जब आप सॉक्स पहनते हैं काफी देर पहनते हैं तो उसके उसका इलास्टिक जो है ना जस्ट गिव्स, तो उसका इंतजार ना करें कि सॉक्स गिर के आप शूज में जा रही हैं फिर आप खरीदने जाएं, तो अभी सॉक्स जो है ना उनको रिटायर भी करना चाहिए, बिल्कुल अपने पास स्टॉक रखें सॉक्स का, बिल्कुल। अच्छा बाय द वे सबसे बड़ी मिस्टेक सॉक्स में क्या होती है, सैंडल के साथ कभी सॉक्स ना पहने, सैंडल के साथ अक्सर लोग उन्हें पहने होते सर्दियों में, God bless you if you're doing that. funny लगता है ना? Funny सा funny है। अगर आप अच्छा मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ, घर जाएं और आप देखेंगे बिगेस्ट फैशन मिस्टेक वन कैन मेक, आपको ये चीज मिलेगी मिलेगी सैंडल के साथ ऐसा ही है। अच्छा पाकिस्तान